भाई लोग, ये एक भाई का अकाउंट अपन एक पोस्ट करके देखते हैं। पोस्ट बटन पे क्लिक कर दिया और आप ठीक लोग है। देख लो कि भाई एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रही है। कुछ कुछ लोग को क्या होता है कि जो अपलोडिंग रहती है वो भाई एक जगह अटक जाती है। तो ये जो भाई प्रॉब्लम है, आज के डे भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब लोग की भाई मैं सॉल्व कर दूँ। तो भाई पूरी वीडियो जरूर देखना। सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और मौज मस्ती कर रहे होगे। चलिए इस वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। सो इन टुडेस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू सॉल्व पोस्ट नॉट अपलोडिंग ऑन इंस्टाग्राम। अब बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी कि वो लोग भाई वीडियो को पोस्ट तो करते हैं पर वीडियो या फिर कोई भी भाई फोटो किसी भी उसको पोस्ट तो करते हैं पर भाई कोई कोई प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जैसे क्लिक करते हैं तो भाई ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। कुछ कुछ का ये रहता है कि भाई जो अपलोडिंग रहती है वो भाई स्टक हो जाती है, मतलब एक जगह अटक जाती है। और भाई बहुत सारे लोग को अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। तो भाई चिंता मत करो, आज की वीडियो में आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो भाई वीडियो में तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो शायद आप वीडियो को ढंग से ना समझ पाओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे आपको भाई जो एक प्रॉब्लम आ रही है वीडियो नॉट अपलोडिंग, मतलब कि आप पोस्ट नहीं कर पा रहे कोई वीडियो या फिर फोटो को, तो उसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला जो भाई तरीका है वो ये है कि आपको एक काम करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और चेक करना है कि आपको जो इंस्टाग्राम है वो भाई पूरा अपडेट है या फिर नहीं। अगर अपडेट ना हो आप उसे एक बार अपडेट कर लेना। अगर भाई आपको जो इंस्टाग्राम है वो अपडेटेड है फिर भी आपको ये सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक और काम करना है, वो काम ये है आपको इंस्टाग्राम को होल्ड करके रखना है। फिर आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करके स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको पहले जो क्लियर कैश कर देना है। फिर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा क्लियर डेटा, आपको इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि अगर भाई मैं कर दूंगा तो सारे अकाउंट्स रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से इंस्टाग्राम को ओपन करके देखना है। फिर आपको देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है। और उससे पहले एक और काम कर लेना कि आप फ़ोन को भाई रिस्टार्ट कर लेना आप अपने फ़ोन को, उसके बाद आप इंस्टाग्राम को ओपन करना। फिर भी अगर भाई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप एक काम करना उसे अनइंस्टॉल करना फिर क्या दोबारा से इंस्टॉल करना। भाई देखो ये करने से ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होगी। बहुत सारे भाई रीजंस हो सकते हैं, वो रीज़न क्या है भाई, एक रीज़न तो ये है कि आपकी जो फाइल आप अपलोड कर रहे हो वो भाई ज़्यादा एमबी की है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आप 20 MB तक की फाइल को अपलोड करो, वरना फिर चलो भाई मैक्सिमम 50 MB अपन ले लेते हैं। 20 MB और 50 MB भाई इससे ज़्यादा कि आपको फाइल नहीं उठानी है। अगर भाई आप उठा रहे हो तो एक काम करो, अगर आप कोई भी भाई एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल काइनमास्टर का यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करना, आप जब उसे एक्सपोर्ट करो ना तो आप उसे भाई 1080p में एक्सपोर्ट करना और भाई हो सके तो आप 30 FPS में करना, क्योंकि भाई शायद जो इंस्टाग्राम है वो भाई 60 FPS को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर भाई आपको जो वीडियो नहीं हो पा रही अपलोड तो आप उसकी भाई जो क्वालिटी है उसे थोड़ा सा कम करना फिर उसे अपलोड करके देखना। फिर मेरे को बताना कि आपको फिर भी क्या सेम प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों को फिर भी वो सेम प्रॉब्लम आ रही होगी। अब उसके भाई दो रीज़न और हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि आपको जो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भाई ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम ने, और जो दूसरा है, दूसरा भाई ये है कि आपकी जो वीडियो आपने अपलोड करी है वो भाई इंस्टाग्राम ने ब्लॉक कर दिया। अब उसकी भाई रीज़न हो सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि आपने भाई कोई उल्टी सीधी वीडियो अपलोड कर रहे हो, इस वजह से जो इंस्टाग्राम है वो भाई उसे पोस्ट नहीं होने दे रहा है, ये भी भाई उसका एक रीज़न है। और एक और रीज़न ये है कि अगर भाई आप किसी और की वीडियो अगर कॉपी करोगे तो भाई कुछ कुछ वीडियो में भी भाई वो कॉपी करने की वजह से भी कॉपीराइट लग जाता है, जैसे यूट्यूब पे लगता है ना इसे भाई इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ आता है, मैसेज आता है कि आपने किसी और का वीडियो को यूज़ करा इसलिए ऐसा हुआ है। ये तो बहुत सारे रीज़न हो गए। अब भाई मेरी एक भाई से बात हुई थी जिनको सेम प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने तो भाई उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो भाई मेरे बिना ही सॉल्व हो गई थी, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कैसे थी। मैंने आपको वीडियो दिखा दी थी स्टार्टिंग में ही कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इनकी जो भाई वीडियो है वो जैसे पोस्ट पर क्लिक कर रहे हैं भाई ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। तो भाई उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे हुई, उनने तो पहले भाई ये सब करा, उसे अनइंस्टॉल करा, फिर इंस्टॉल करा, फिर उसके बाद उन्होंने भाई फ़ोन को रिस्टार्ट करा, फिर उन्होंने भाई एक और चीज़ करी। अब भाई कह नहीं सकते कि किस वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है, पर भाई जो उन्होंने आखिरी स्टेप करा था वो ये करा था कि इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करा था, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करी थी उनने, तभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब भाई ये नहीं कह सकते कि उस वजह से सॉल्व हुई है या फिर उन्होंने जो पहले रीइंस्टॉल अनइंस्टॉल ये सब करा है वो उस वजह से सॉल्व हुई है। तो भाई लोग मैं आपको इतना कुछ बता चुका हूँ। अब जो भाई आखिरी तरीका जिसकी हेल्प से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपन हम उस तरीके को अपना लेते हैं। सबसे पहले भाई लोग आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको भाई जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको उस प्रॉब्लम को भाई एक स्क्रीनशॉट
ले लेना है। फिर आपको माय प्रोफाइल पे आ जाना है। माय प्रोफाइल पे आने के बाद आपको राइट साइड के टॉप पे थ्री लाइन दिखेंगी, इस पर क्लिक करो। फिर आपको नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स पे क्लिक करो। सेटिंग्स पे क्लिक करने आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक कर दो। फिर आपको फिर से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक कर दो। फिर आपको भाई इस चीज़ को पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया है, हाई इंस्टाग्राम टीम, आई एम नॉट एबल टू पोस्ट अ वीडियो फोटो ऑन इंस्टाग्राम, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम डैश डेज। मतलब आपको जितने भी दिनों से प्रॉब्लम आ रही है, फिर जितने घंटों से आ रही हो, अब भाई वहाँ पे वो लिख देना। समटाइम्स इट गेट्स स्टक इन अ पोजिशन, समटाइम्स आई गेट ब्लैक स्क्रीन व्हेन आई ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो और फोटो, आई होप यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू इंस्टाग्राम टीम। जैसे भाई मैंने लिख दिया कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और भाई कब से आ रही है, तो आपको भी लिख देना है। अगर आप चाहो तो इसे भी आप पेस्ट कर सकते हो उठा के, आपको ये भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गैलरी और टेक स्क्रीनशॉट। तो आपको, आप स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हो, तो आपको गैलरी पे क्लिक कर देना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जब आपको प्रॉब्लम आ रही है वीडियो नॉट अपलोडिंग वाली, पोस्ट नॉट अपलोडिंग वाली, तो उस प्रॉब्लम की जो एक और वजह है, वो वजह यह है कि भाई आपका जो भाई नेट है ना, इंटरनेट कनेक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो ना, वो भाई थोड़ा धीमा है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इसका एक और आपको काम करके देख लेना, आपको अपने फ़ोन में भाई दूसरे अकाउंट में भी खोल के देखना है कि क्या आपको उसमें भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आपको एक और काम करना है, अपने अकाउंट को आपको कोई दूसरे फ़ोन में भी डाल के देख लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा भाई, उससे अपन को ये पता चल जाएगा कि भाई फ़ोन में प्रॉब्लम है या फिर आपके जो भाई अकाउंट है सिर्फ उसी में प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई अगर अकाउंट में प्रॉब्लम है तो वो तो भाई अपना इंस्टाग्राम भाई सॉल्व करेगा, क्योंकि भाई अगर फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अपन कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो भाई इंस्टाग्राम में सॉल्व करेगा। जैसे कि मैंने भाई ये जो स्क्रीनशॉट है इसे मैंने ऐड कर दिया है, और जो भाई लिखना था वो भी मैंने लिख दिया है। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को राइट साइड के टॉप पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पर भाई लोग क्लिक कर दो। नोट नाउ कर लेते हैं, अगर आपको टर्न ऑन शेक करना तो कर सकते हो। आपकी जो भाई प्रॉब्लम थी वो भाई अपन इंस्टाग्राम को भेज दिए, और जैसे ही भेजिए आप ऊपर देख लो, ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा आपको, इंस्टाग्राम बग रिपोर्टेड, वी रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। मतलब इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि अपना जो भाई बग है वो रिपोर्टेड हो चुका है। अब भाई देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होगी। वैसे तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही थी, मैं तो आपको भाई सिखा रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है। तो देखो भाई, ये जो मैसेज है ये भाई कभी कभार बहुत जल्दी आ जाता है, और कुछ कुछ लोग को भाई एक दो घंटे के बाद भी आता है। और ये जो इसका इस मैसेज का मतलब ये है कि जब अपना जो भाई बग है वो भाई रिपोर्ट हो चुका है, अब भाई सॉल्व हो जाता है। मेरे हिसाब से भाई जो प्रॉब्लम, ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम भाई 8 से 10 घंटों में सॉल्व हो जाती है। तो भाई लोग, आई होप आप सब लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। जिस इसकी प्रॉब्लम भाई सॉल्व हुई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई अगर आपकी सॉल्व नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कमेंट करके पूछना। मैं भाई अपनी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई लोग मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। आशा करता हूँ जिन भी भाइयों और बहनों की जो पोस्ट अपलोड नहीं हो रही थी वो अब शायद अपलोड होने लगी होगी, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। और भाई लोग आप मुझे सजेशन दिया करो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, आपको मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस कमेंट किए बिना मत जाना, और हाँ घंटी बजाते हुए जाना। जय हिंद, जय भारत। I don't wanna see us going.